बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा भाजपा में शामिल हो गए हैं। केशव चंद्रा के साथ 3,831 लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने केशव चंद्रा को भाजपा में प्रवेश कराया। जयपुर विधानसभा क्षेत्र से केशव चंद्रा दो बार विधायक रह चुके हैं। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में केशव चंद्रा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2018 में केशव चंद्रा ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश साहू को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जयपुर क्षेत्र में केशव चंद्रा का अच्छा खासा जनाधार है। जी निश्चित रूप से 15 दिन पूर्व लगभग मैं बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी के रीति से नीति से उनके विचारों से और माननीय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गारंटी है अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजना का जो लाभ मिलना है उससे प्रभावित हो करके आज हम अपने पूरे समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। नहीं, बहुत ही सहज मिलनसार और मातृशक्ति का प्रतीक है और नारी शक्ति का प्रतीक है कमलेश जी, और बहुत समर्थन, बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद हमारे जांजगीर लोकसभा यहाँ पे जनता का मिल रहा है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों ने अपने परिवार के सदस्य के नाते उनको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी पे गारंटी और जिस तरह से विष्णुदेव साई जी का सुशासन इस छत्तीसगढ़ में 3 महीना में ही बोलने लगा और उस पर विश्वास करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जांजगीर लोकसभा से कमल खिलाने का फैसला कर लिया। नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को जरूरत क्या थी अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आने का? भाई वो क्षेत्र बर्बाद हो चुका है, अब इस क्षेत्र को बर्बाद करने से तो बचाएं। जनता समझ चुकी है, जनता सब जानती है। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, सभी का स्नेह मिल रहा है। नहीं, उस पर कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, उनको उस जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए। जब आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है तो जांच से डर क्यों? आप उसका सामना कीजिए और कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। कानून भी कोई चीज है, ये तो कभी संविधान को कभी कांग्रेसियों ने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। संविधान के ऊपर आरोप लगाते हैं ये, वो अगर दोषी है, नहीं दोषी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निर्दोष है तो। वो तो संचालकों ने इनके इनका नाम लिया था और ये जांच की प्रक्रिया इस सरकार में नहीं चल रही है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ है और अपने जांच में सहयोग करें, अपनी भूमिका का निर्वहन करें। निर्दोष होंगे तो बच जाएंगे और दोषी होंगे आठों पे लीड मिलेगी। आप देख लीजिएगा इस बार मोदी है तो मुमकिन है ना, अब की बार मोदी सरकार।